सुषमा स्वराज के निधन पर दुखी है बॉलीवुड, सभी कलाकारों ने कुछ यूं किया याद। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का 67 इयर्स की उम्र में निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 5 डॉक्टरों की टीम उनके इलाज के लिए लगाई गई थी। सुषमा स्वराज के निधन के बाद कई बॉलीवुड स्टार्स ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब मैं यंग थी तो मुझे सुषमा जी से काफी सपोर्ट मिला था। मेरे ऑफिस में अब भी कई तस्वीरें लगी है जिनमें सुषमा जी मुझे अवार्ड देते हुए नजर आ रही है। मुझे बेहद दुख हो रहा है क्योंकि मैंने एक ऐसी महिला को खोया है जिन्होंने मुझे मेरा पहला पाठ पढ़ाया था। महिलाओं को दूसरी महिलाओं की उन्नति में साथ देना चाहिए, शुक्रिया, और उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके अलावा एक्टर बमन ईरानी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुषमा जी एक बेहद ही प्रभावशाली महिला थी, वो बहुत ही छोटी उम्र में हमें छोड़कर चली गई। मैं ये खबर सुनकर बेहद दुखी हूँ। सुषमा जी के जाने से हमारे देश को कभी ना पूरी होने वाली क्षति हुई है, सुषमा जी की आत्मा को शांति मिले। इसके अलावा रितेश देशमुख ने एक पोस्ट भी शेयर की है जिसमें उन्होंने सुषमा स्वराज के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि साल 2001 में मुझे सूचना प्रसारण मंत्रालय की मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी से मिलने का मौका मिला था, जब वो रामोजी फिल्म सिटी में आई थी, जहां मेरी और जेनेलिया के डेब्यू फिल्म तुझे मेरी कसम की शूटिंग चल रही थी। ये हम दोनों की ही पहली फिल्म थी। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था और हमारी सफलता की कामना की थी। इंडस्ट्री में हम उस समय युवा ही थे और उन्होंने हमें काफी मोटिवेट किया था और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। इसके आगे रितेश ने लिखा कि भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी क्षति है। वो एक बेहतरीन वक्ता थी, एक महान देशभक्त थी और एक वरिष्ठ लीडर थी। विदेश मंत्री के तौर पर वो हमेशा हर भारतीय के लिए उपलब्ध रही है जिसे किसी भी हेल्प की जरूरत थी। इस दुख भरी घड़ी में उनके परिवार और उनके फॉलोअर्स के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। सभी बॉलीवुड स्टार्स में सिंगर अदनान सामी भी शामिल है। अदनान सामी ने एक फोटो शेयर किया है। इस तस्वीर में अदनान सामी और उनकी पत्नी बेटी मदीना के संग सुषमा से मिलने गए थे। सोशल मीडिया पर अदनान सामी ने लिखा कि इस अनहोनी के बारे में जानकर मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से सदमे में है। सुषमा जी हमारे लिए माँ समान थी, उनके लिए मन में अपार सम्मान और आदर है। वो सबका ध्यान रखने वाली और एक नेक दिल इंसान थी, हम उन्हें बहुत याद करेंगे। अदनान सामी ने शेयर की इस फोटो में सुषमा संग उनके पति स्वराज कौशल भी थे। सभी सितारों के साथ अमिताभ बच्चन ने भी सुषमा जी के निधन पर दुख जताया है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर हैंडल पर सुषमा स्वराज के साथ अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की है। अमिताभ बच्चन ने फोटो के कैप्शन में लिखा, एक अत्यंत दुखद समाचार, एक बहुत ही प्रबल राजनीतिज्ञ, एक मिलनसार व्यक्तित्व और एक अद्भुत प्रवक्ता, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। बता दे कि सुषमा स्वराज लंबे समय से बीमार चल रही थी और उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। बीमारी की वजह से उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा। 2014 में सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय का प्रभार मिला था। बीजेपी के शासन के दौरान सुषमा दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी। सुषमा स्वराज के नाम राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता होने का गौरव प्राप्त था। इसके अलावा सुषमा स्वराज पहली महिला मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष की पहली महिला नेता थी। इंदिरा गांधी के बाद सुषमा स्वराज दूसरी ऐसी महिला थी जिन्होंने विदेश मंत्री का पद संभाला था। बीते 4 दशकों में वो 11 चुनाव लड़ी, जिनमें 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ी और जीती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।